अम्बाला की सेंट्रल जेल हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है, चाहे फिर जेल में मोबाइल फोन मिलना हो। लेकिन इस बार अम्बाला की सेंट्रल जेल में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद जेल पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई और प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए। ये मामला सामने आया, मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट चुकी है। अम्बाला सेंट्रल जेल में बंद अब कैदी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अम्बाला सेंट्रल जेल में बंदियों के द्वारा आत्महत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक बार फिर से अम्बाला की सेंट्रल जेल में 4 दिन पहले आए चोरी के आरोपी ने जेल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक बंदी ने जेल अस्पताल के साथ लगती दीवार के रोशनदान में अपने परने से फंदा लगाया है। दरअसल जिस कैदी ने जेल में सुसाइड किया उसे गांव समलेहड़ी में ग्रामीणों ने दिन दहाड़े ट्यूबवेल की तार चोरी करते हुए पकड़ा था। ग्रामीणों ने आरोपी युवक की उस वक्त जमकर पिटाई भी की थी। मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है सुनिए। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी जो अम्बाला जेल है उसमें एक बंदी था, 19 साल उसकी उम्र है और साहा की चोरी के मुकदमे में वो 19 तारीख को जेल में बंद हुआ था। कल शाम को उसने बाथरूम में सुसाइड कर लिया है, हैंगिंग है। तो उसकी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके बारे में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है और डेड बॉडी उसकी वारसों के हवाले कर दी। आरोपी की पहचान ऋतिक के तौर पर हुई है। बता दें कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और इसी दौरान ऋतिक ने अपने पढ़ने से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब की स्ट्रीट टीवी।